जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज रत्नेश कुमार एंड टुडे आई टीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आइए देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में रहा है रही है रहे हैं तथा कार्य का जारी रहना पाया जाता है, यानी जो काम किया जा रहा है वो बंद नहीं है, काम अभी भी जारी है और समय का उल्लेख किया गया था, यानी समय दिया गया रहता है। समय जो दिया रहेगा वह निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है। निश्चित और अनिश्चित की जो वीडियो है वो मैंने इसके पहले अपलोड की हुई है, आप उसे जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस रूल फर्स्ट। ही सेड नेम तथा एकवचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं, हैज बीन का प्रयोग करते हैं और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाते हैं और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। यानी कि सीट नेम एकवचनकर्ता के साथ हैज बीन और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर। फार्मूला हमारा होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फुल स्टॉप। जैसे हमारा एग्जाम्पल है वह सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है, जिन बच्चों को यह नहीं समझ में आता है कि निश्चित समय कौन सा होता है अनिश्चित समय कौन सा होता है, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाके देख लीजिए। वह सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है मतलब लड़का है, यानी कि यहाँ हमारा क्या हो जाएगा ही के बाद हम प्रयोग क्या करेंगे हैज बीन, फिर प्रयोग करेंगे क्या क्रिया के फर्स्ट फॉर्म पढ़ना क्या होता है रीड और प्लस आई एन जी रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं भैया पुस्तक द बुक, कब से पढ़ रहे हैं सुबह से, निश्चित है या अनिश्चित है सुबह निश्चित होती है। अगर आप सोचें कि दोपहर के 12 बज रहे हैं और अब सुबह हो जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता, सुबह क्या होती है निश्चित होती है, मैंने बताया निश्चित अनिश्चित ठीक है। तो he has been क्रिया की फर्स्ट फॉर्म रीड प्लस आई एनजी रीडिंग द बुक, समय क्या हमारा है निश्चित है, अगर निश्चित समय है तो हम क्या लगाएंगे सिंस तब से सुबह से, सुबह क्या होता है मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग। फिर अगला देखेंगे रोहन 2 दिन से वहां जा रहा है, रोहन हमारा क्या है सब्जेक्ट, काम कौन सा हो रहा है जाने का, जा कहाँ रहे हैं वहाँ, ये हो गया ऑब्जेक्ट। समय क्या दिया गया है 2 दिन से, ठीक। रोहन एक वचन है, क्या प्रयोग करेंगे भैया हैज बीन, क्या प्रयोग करेंगे हैज बीन, फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म जाना क्या हो जाएगा गो प्लस आई एन जी गोइंग, कहाँ जा रहे हैं गोइंग टू, वहाँ जा रहे हैं देयर। फिर समय क्या दिया गया है 2 दिन से, 2 दिन निश्चित नहीं होते हैं, यदि दिया गया हो दिनों के नाम दिया गया होता तो वह निश्चित होता है, लेकिन अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे सब आए हैं तो वह निश्चित नहीं होते हैं, हम क्या प्रयोग करेंगे काम के लिए 2 दिन का क्या हो जाएगा तो दिन। फिर से देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या था रोहन, फिर एक वचन था हैज बीन, फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के लिए कौन सी होती जाने जा को गए गो प्लस आई एन जी लग गया गोइंग, कहाँ जा रहे थे वहाँ तो टू देयर, फिर समय हमारा अनिश्चित है इसलिए फॉर प्रोड्यूस। फिर अगला देखते हैं पिताजी माता जी के साथ 2 बजे से पत्र लिख रहे हैं, सब्जेक्ट क्या हमारा पिताजी, काम कौन सा हो रहा है लिखने का, क्या लिख रहे हैं पत्र, समय क्या दिया गया है 2 बजे से, बचा तो ये क्या है अदर वर्ड, तो ये बच गया ये क्या है अदर वर्ड ठीक, और ये क्या दिया गया है टाइम। अब देखिए सबसे पहले लिखना क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है पिताजी यानी कि द फादर, द फादर फिर पापा तो एक वचन होते हैं तो क्या लगेगा है बीन, फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के लिए कौन सी हो रही है लिखना, लिखना क्या कहेंगे ड्राइव, तो क्या हो जाएगा ड्राइविंग, क्या लिख रहे हैं पत्र, द लेटर
इसके बाद में द लेटर हो गया, तो द फादर हैज बीन राइटिंग द लेटर, हमारा कहाँ तक हो गया भैया, ऑब्जेक्ट तक हो गया, अदर वर्ड क्या है, माता जी के साथ, तो विद मदर, समय क्या दिया गया है, 2 बजे से, बजे अगर आता है, हमने बताया था अगर घंटे शब्द आया कि 2 घंटे से 3 घंटे से तो वह अनिश्चित होता है, और बजे अगर आए तो वह निश्चित होता है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे यहाँ, 2 बजे से है तो क्या प्रयोग करेंगे, सिंस, जो बजे कभी भी आए तो जो जितने बजे होता है उसको हम इंग्लिश वर्ड में इंग्लिश लेटर में लिखते हैं, सिंस 2 o'clock, ठीक, फिर से देखेंगे, द फादर हैज बीन, पिताजी एक वचन थे हैज बीन, ये की फर्स्ट फॉर्म राइट प्लस आई ने राइटिंग, क्या लिख रहे थे, पत्र, द लेटर, साथ में किसके थे, विद मदर, समय हमारा निश्चित है, इसलिए सिंस कभी भी अगर 2 बजे 3 बजे 4 बजे आए तो उसको हम अंकों में लिखेंगे, और बजे का होता है वो क्लॉक। आइए बच्चों, अब देखते हैं रूल टू, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल टू, रूल टू ये होता है भैया कि आई बी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं, आई बी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाते हैं, और निश्चित समय के लिए सेंस तथा अनिश्चित के लिए फॉर लिखते हैं, निश्चित समय के लिए सेंस और अनिश्चित के लिए क्या लिखते हैं भैया, फॉर लिखते हैं, फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सेंस या फॉर प्लस आई, पहला एग्जांपल है तुम 2 घंटे से अपना कार्य कर रहे हो, तुम सब्जेक्ट क्या है, तुम, हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है, काम कौन सा होना, करने का, क्या कर रहे हैं, कार्य, चलिए कार्य कर रहे हैं, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कार्य, समय क्या दिया गया, 2 घंटे से, फॉर्मल प्रश्न में सब्जेक्ट क्या है, तुम, तुमका क्या हो जाएगा, यू, बहुवचन में क्या प्रयोग करेंगे, हैव बीन, फिर लिखेंगे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, करना क्या होता है बेटा, डू प्लस आई एन जी, यानी डूइंग होता है, आई एन जी जोड़ देंगे, डू प्लस आई एन जी, तो यू हैव बीन डूइंग, फिर अपना कार्य का क्या हो जाएगा, हिज, सॉरी यहाँ पे तुम है, तुम के अनुसार क्या हो जाएगा, योर वर्क, फिर क्या दिया गया, 2 घंटे से, समय अनिश्चित है, निश्चित है, हमने बताया था यदि बजे हो तो निश्चित, और घंटे आए चाहे 2 घंटे हो 3 घंटे हो 4 घंटे तो वह अनिश्चित, अनिश्चित के लिए क्या प्रयोग करते हैं, फॉर 2 आवर, चलिए मैं सुबह से अपना खेत जोत रहा हूँ, सब्जेक्ट क्या है, मैं, काम कौन सा हो रहा है, जोतने का, क्या खेत जोत रहे हैं, अपना खेत यहाँ से यहाँ तक का है, और फिर समय क्या रहेगा, सुबह से फॉर्मूले रखेंगे तो आई बहुवचन का प्रयोग होगा, आई हैव बीन, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, जोतना क्या होता है, प्लाउज, प्लाजिंग, अपना खेत जोत रहे हैं तो आई के अनुसार क्या लगेगा, माई, खेत का क्या होता है, फील्ड, फील्ड कब से, सुबह से निश्चित है, समय हमारा क्या है, निश्चित है, मार्ग, फिर वे अपने भाइयों के साथ 2 दिन से बगीचे में घूम रहे हैं, वे का क्या होता है, दे, चलिए इसमें सब्जेक्ट का उपयोग देख लेंगे, सब्जेक्ट हमारा वे है, क्योंकि सारा काम कौन कर रहे हैं, वे, फिर काम होता है घूमने का, घूम पा रहे हैं बगीचे में, ये हो गया आपसे, समय क्या दिया गया, 2 दिन से, ये होगा क्या, टाइम, और जो यहाँ से यहाँ तक बचा, ये हो गया अदर वर्ड, तो दे बहुवचन का प्रयोग करेंगे, हैव बीन, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्रिया कौन सी हो रही है, घूमने, घूमने क्या कहेंगे,
वॉक प्लस आई एन जी वॉकिंग, वॉक पढ़ते हैं बहुत सारे लोग लेकिन वो वॉक होता है वॉकिंग होता है ठीक। तो दे हैव बीन वॉकिंग, यदि इसमें साइलेंट है वॉक पढ़ा जाएगा वॉकिंग हो जाएगा, तो वॉकिंग कहाँ पर, इन द गार्डन, इन द गार्डन, फिर किसके साथ, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्ले के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, लिखना क्या है अदर वर्ड, अदर वर्ड के अपने भाइयों के साथ, तो वे हैं, वे के अनुसार क्या होगा, जो करना है अपने लिए डियर ब्रदर, डियर ब्रदर, फिर दो दिन से, दो दिन क्या है निश्चित है क्या निश्चित है, अनिश्चित चाहे होता है, अगर दिन के नाम हो तो निश्चित और दिनों के नाम ना हो दो दिन तीन दिन चार दिन ऐसे हो तो अनिश्चित, तो मैं क्या प्रयोग करेंगे फॉर, कितने दिन है दो दिन, टू डेज, आइए आप देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, रूल फर्स्ट कर्ता के अनुसार, कि नेगेटिव सेंटेंस में दो रूल बन जाते हैं लेकिन दोनों रूल को एक में ही करके हम बता दे रहे हैं, इसे आपको बताया गया है कि यदि सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे हैज, और प्लूरल है इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे है, ये तो आपको पता ही होगा ठीक। वही कह रहे हैं कि कर्ता के अनुसार हम क्या प्रयोग करते हैं हैज या हैव के बाद नॉट बीन लिखते हैं, यानी कर्ता के अनुसार पहले हम हैज या हैव लिखते हैं, उसके बाद नॉट बीन लिखते हैं और फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, फिर कर्ता के अनुसार हम देखेंगे क्या हैज या है, और उसके बाद फिर नॉट बीइंग, फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। वह सोमवार से विद्यालय में पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, वह क्या है सब्जेक्ट है हमारा, काम कौन सा हो रहा है पढ़ने का, क्या पढ़ रहा है पुस्तक, ये नहीं तो नेगेटिव है, विद्यालय में क्या है ये क्या है कोटी अदर वर्ड ठीक, अदर वर्ड, और ये क्या है टाइम। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, रहा है मतलब लड़का है तो ही का प्रयोग करेंगे, फिर क्या एक वचन है तो क्या प्रयोग करेंगे हैज, फिर क्या लिखेंगे दोनों में से एक लिखना था ये लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे नॉट बीन, फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म कौन से क्रिया पढ़ना क्यों होता है He has, फिर not been, फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म पढ़ना चाहता है read plus ing, reading, क्या पढ़ रहे हैं पुस्तक the book, हमारा सब्जेक्ट हो गया has या have हो गया plus not been हो गया, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म read plus ing हो गया, reading ऑब्जेक्ट तक का हो गया, इसके बाद लिखना क्या है other word क्या विद्यालय में, तो in the school, फिर क्या लिखना है सिंस या फॉर सोमवार से, सोमवार, सोमवार क्या हो गया निश्चित है या अनिश्चित है, जिन बच्चों को नहीं पता है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर जाकर देख लें। वैसे दिनों के नाम क्या होते हैं सोमवार, जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार ये सभी चीजें आती हैं, दिनों के नाम यदि आए तो बस सिंस होता है मतलब निश्चित होता है, तो उसके लिए हम करेंगे सिंस मॉर्निंग सॉरी संडे, फिर अगला देखेंगे तुम 2002 से दिल्ली में नहीं रह रहे हो तो तुमका क्या हो जाएगा, बहुवचन है आई वी यू से बहुवचन, क्या प्रयोग करेंगे है, फिर क्या प्रयोग होगा नॉट बीइंग, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना क्या होता है एल आई वी मतलब आई एन वी बी, कहाँ रह रहे हैं भैया दिल्ली में, दिल्ली, समय क्या दिया गया 2002 से, 2002 निश्चित है या अनिश्चित है, बार बार यही निश्चित अनिश्चित की दिक्कत बच्चों को आती है, मैंने बताया लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप वहां जाके देख लें,
सत्र यदि दिया गया होता है 2019-1984 जो भी हो, तो वे सभी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। निश्चित समय के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम, सेंस। कितने बजे, सॉरी सत्र क्या दिया गया, तो यू हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2000। फिर आगे देखेंगे, मैं जनवरी से वहां नहीं जा रहा हूँ, तो आई, फिर आई बहुवचन में क्या प्रयोग होगा, फिर हैव, फिर नॉट बीन, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जाना क्या होता है, गो प्लस आई एन जी गोइंग। कहाँ जा रहे हैं भैया, गोइंग वहाँ, वहाँ क्या होता है, देयर टू देयर। समय क्या है, जनवरी, निश्चित आंशिक आप देख ही नहीं होंगे, तो गोइंग टू देयर सिंस। फिर अगला देखेंगे, रोहन 3 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो रोहन हमारा नेम है, तो क्या प्रयोग होगा, हैज, फिर नॉट बीन, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना क्या होता है, रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तक, द बुक। समय क्या है, 3 बजे से हमने बताया था, इसके लिए यह निश्चित समय है, यानी सिंस 3 बजे से 3 o'clock। जी बच्चों, यदि कोई भी समस्या हो वीडियो रिवर्स करके आप देख सकते हैं, और बाकी अगले नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस तक मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे से पढ़े होंगे। जय हिंद।